वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम का। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फॉलो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका नाम है फैक्ट्स अबाउट इंडियन हैदराबाद, और हैदराबाद पाकिस्तान में भी है बट ये जो हैदराबाद है इंडिया का है। और आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे और फैक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या फैक्ट्स निकलते हैं अबाउट इंडियन हैदराबाद के। सो ज़्यादा देर नहीं चाहिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्य यूट्यूब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल होंगे, हम भी ठीक हैं। करने वाला हूँ हैदराबाद सिटी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको ना मालूम हो। हैदराबाद जो मुगल और निजाम के शहर से जाने जाते हैं, मुगल और निजाम। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जगह तो अच्छी है यार। इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर है हैदराबाद, और ये शहर मूसी रिवर के पास बसा है। हैदराबाद की पास्ट की बात करूँ तो हैदराबाद स्टेट पहले 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद हैदराबाद के निजाम ने इंडिया में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। निजाम उस्मान अली खान, आसिफ जावी इंडिया के बीच ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। तब हैदराबाद में करीब 1 करोड़ 60 लाख की आबादी और मेजोरिटी आबादी हिंदू ही थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी मंजूर नहीं था। लेकिन निजाम ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान और अमेरिका से भी मदद मांगी, पाकिस्तान से, और इस बात को यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहते थे। तब इंडियन के पीएम जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ सहमत थी, लेकिन सरदार पटेल को कभी ये मंजूर नहीं था और उन्होंने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। हैदराबाद में आर्मी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया था, उसके 2 दिन बाद ही हैदराबाद स्टेट इंडिया में शामिल हो गया। चलिए अब पास्ट से निकलकर प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद ने हर जगह से रैपिडली ग्रो अप किया है। हैदराबाद में काफी आईटी ऑफिस है और जिसके वजह से अभी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। हैदराबाद की जीडीपी की बात करूं तो अभी हैदराबाद की जीडीपी है 74 बिलियन। नेचुरल पार्ट्स के चीफ प्रोड्यूसर है, इसलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पार्ट्स भी कहा जाता है। बिगेस्ट बुद्धा स्टैचू हैदराबाद में 80 मीटर ऊंची एंड 450 टन वेट की सिंगल रॉक स्टैचू है वर्ल्ड में। कोहिनूर हीरा जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा था, वो हीरा हैदराबाद के शहर के पास जिला में। वाह भाई क्या बात है। बट सैडली वो हीरा अब हमारी इंडिया के पास नहीं है, ब्रिटिश ने उसे चुरा लिया था। वो हीरा अभी यूनाइटेड किंगडम के रानी के सर के ताज की शान बना हुआ है। हालांकि बहुत सारे इंडिया ने उसे वापस लेने की कोशिश तो की, लेकिन ब्रिटिश के फितरत तो आप सबको पता ही है, कभी उस कोहिनूर हीरो को रिटर्न नहीं करेगा। ये तो है। हैदराबाद की एजुकेशन की बात करूँ तो पूरे हैदराबाद में टोटल एजुकेटेड लोगों की परसेंटेज है 74.04%। हैदराबाद में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एएनजी रागा आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस काफ़ी फेमस है। दोस्तों हैदराबाद में आईमैक्स थिएटर इंडिया के साथ, ये थिएटर दुनिया का बड़ी थिएटर में से हैदराबाद तो बहुत आगे निकल गया है। अगर आप हैदराबाद कभी आए तो आईमैक्स थिएटर जरूर विजिट करना। हैदराबाद की हाईटेक्स कॉन्वेंशन सेंटर कोई भी इवेंट एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस के लिए परफेक्ट है। हाईटेक्स कॉन्वेंशन सेंटर 50 एकड़ और 2500 लोग एक साथ इस जगह पर बैठ सकते हैं। हैदराबाद की बात करें और फिल्म इंडस्ट्री की बात ना हो, बाहुबली नहीं सकता। हाँ बाहुबली हैदराबाद से ही है और फिल्म के सारे कास्ट की होम टाउन भी हैदराबाद है। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही सेकेंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया में, विथ अराउंड 250 मिलियन टर्नओवर के साथ। हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है। इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद हैदराबाद की निजाम से लिया गया ये हाउस और बाद में इसे राष्ट्रपति के सचिवालय को सौंप दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट साल में एक बार हैदराबाद तो बहुत आगे निकल गया यार, ड्यूरिंग विंटर्स, और यही से ही ऑफिशियल काम संभालते हैं। हैदराबाद में मूसी रिवर के पास डैम के जैसे काफी सारी आर्टिफिशियल लेक दिखी जाती है, जैसे हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर। टोटल 140 लेक है हैदराबाद में। रामोजी फिल्म स्टूडियो वर्ल्ड के बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो में से एक है। इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा भी, वाह यार, टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड।
उनकी होम टाउन भी हैदराबाद है। क्या बात है यार, चारमीनार जो कि हैदराबाद की शान और लैंडमार्क 1591 में मोहम्मद कुतुब शाह ने इसको बनाया था। इस चारमीनार की 56 मीटर हाइट है। हैदराबाद वेल नोन है इसकी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हैदराबाद में 350 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। हैदराबाद को इंजीनियर साहब बिगेस्ट स्नो थीम पार्क इन द वर्ल्ड। हैदराबाद वार्म प्लेसेस में से एक है। हैदराबाद में स्नो वर्ल्ड थीम पार्क बनाया गया जो कि 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये वर्ल्ड के बिगेस्ट स्नो पार्क है। हैदराबाद के पीवी नरसिम्हा राव एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर लॉन्ग फ्लाईओवर है इंडिया में जो कि 11.6 किलोमीटर की है। हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम बेस्ट म्यूजियम में से एक है पूरे साउथ इंडिया में। 40,000 से भी ज्यादा कलेक्शन है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हैदराबाद को अभी रेफर किया जाता है एज अ हाईटेक सिटी। हैदराबाद इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सिटीज इन इंडिया। काफी सारी कंपनी है सच एज माइक्रोसॉफ्ट, याहू, नोकिया, डेल, एएमडी, अमेज़न एक्सेट्रा। हैदराबाद की बात नहीं है और बिरयानी की बात ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड फेमस है। हैदराबाद आए और बिरयानी क्या किया। हैदराबाद बिरयानी इन्वेंशन हुआ था निजम के समय में। इसे बनाया गया राइस, स्पाइसेस एंड चिकन से। और दोस्तों क्या आपको पता है, देयर आर अराउंड 140 वैरायटीज है हैदराबादी बिरयानी में। दोस्तों अगर हैदराबाद की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग करीब 70 लाख लोगों की आबादी है शहर में, जिसमें हिंदू है 65%, इस्लाम है 30%, क्रिश्चियन है 2.75%। हैदराबाद की टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया है 650 किलोमीटर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो साथ में लाइक भी कर दिया, शेयर भी और सब्सक्राइब भी। एंड आपकी क्या सोच है हैदराबाद के बारे में नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा लिंक, सब्सक्राइब कर देना इनको और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये तो हैदराबाद कैसा लगा मुझे तो सच में बोलूँ तो अच्छा ही लगा, क्योंकि सारी बातें मैं बता दूँ। पहली कि वर्ल्ड की बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो जो है वो भी हैदराबाद में है, और बाहुबली जो फिल्म थी वो भी ही हैदराबाद से है, और सबकी कास्ट की जो है सबकी जो है होम टाउन वो भी हैदराबाद है। तो ये मुझे काफ़ी, पहले तो मुझे लगा जब बाहुबली का सीन आया तो मैच हो गया यार, बाहुबली तेलुगु फिल्म है तो इंडियन का तो डबिंग की हुई थी ना फिल्म पे, मगर मुझे तो बाहुबली भी अच्छी लगी थी, शेर भी लगा अच्छा, और ये भी मुझे अच्छा लगा कि बाहुबली जो है हैदराबाद से, मुझे ये अच्छा लगा। और रामोजी फिल्म स्टूडियो के बारे में बताएगा तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो है, तो ये भी काफ़ी जो है अच्छा ही लगा, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म स्टूडियो तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। रामोजी स्टूडियो पहले ही जो है वो हैदराबाद में है। उसके बाद कोहिनूर हीरे के बारे में बात की गई तो कोहिनूर हीरा जो थे वो जो पूरे वर्ल्ड का महंगा तरीन हीरा है, और ये जो है वो हैदराबाद से ही मिला था, तो ये भी काफ़ी चौंका देने वाली बात है कि हैदराबाद से मिला था। अब पिछले वीडियो में मुझे ये पता चला था कि जो कोहिनूर हीरा है वो किसके पास है, वो कब मिला, कहाँ पे था, ये पता चला था। मुझे नहीं पता चला था कि ये कहाँ पे मिला था और कैसे मिला था, तो ये इस वीडियो में मुझे जानकारी मिल गई। मुझे जानकारी मिल गई कि ये जो मिला था वो हैदराबाद के किसी शहर से ही मिला था। चार मीनार की बात की तो चार मीनार सबसे खूबसूरत यार, ये एक साइड से भी रोड है, बीच दूसरी साइड से बीच में चार मीनार है, तो क्या मंजिल था उसका। उन्होंने स्टैचू की बात की तो स्टैचू भी वहीं पे जो था वो 18 फीट का सारा कुछ बोला कि वो भी काफ़ी लंबा था, तो सारी जगह अच्छी थी। और इसमें बात की कि सबसे ज़्यादा जो है वो आईटी कंपनी है वो हैदराबाद में ही है, सारे नाम निकल ले गया, जियो, नोकिया, डेल और पता नहीं और थी नाम लिए वो मुझे याद नहीं रहा। मैं नोकिया वर्ल्ड की जो मुझे जो लगता है कि वर्ल्ड की अच्छी कंपनी है नोकिया फ़ोन्स, हर किसी के पास है होते हैं और कामयाब भी होते हैं, तो वो इंडिया में इंडियन फ़ोन भी अक्सर आते हैं हमारे पाकिस्तान में, अक्सर मेड इन इंडिया लिखा हो। और ये बात भी कही गई कि उसको शहर को टेक्निकल साफ भी कहा जाता है, और उसने 300 कॉलेजेस के आसपास उन्होंने बताया कि 300 कॉलेजेस है और 6-7 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, तो मतलब कि वहाँ पे
काफ़ी अच्छी पढ़ाई का सिस्टम भी है। और मगर एक बात मैं भूल गया था, सानिया मिर्ज़ा के, तो सानिया मिर्ज़ा जिस तरह उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की बेस्ट टेनिस स्टार है और वो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से, उनकी शादी हुई है शुएब मलिक से, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। कोहिनूर हीरे के बारे में मुझे पता चला कि कहाँ पर ये मिला था, वो भी मुझे पता चला इस वीडियो में। काफ़ी जो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ यार, मुझे और अच्छे जगहों के बारे में पता चल रहा है, चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो रिएक्शन के वीडियोस मेरे लिए एक अच्छा भी साबित हो गया कि यार मुझे कुछ जान पा रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। ये पता चला कि वो हैदराबाद जिसको टेक्निकल साहब कहा जाता है, जो इंडिया के सबसे ज़्यादा आई टी कंपनीज वहाँ पर है, जियो का नाम लिया, वो उनकी टेक्निकल उनकी जो है कंपनी है सिम की है, मुझे पता है ये सिम की कोई कंपनी है जिस तरह पाकिस्तान में सीधे। अच्छा, उसके बारे में नोकिया का कहा, डेल का कहा, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। और इंडिया में मैंने सुना था कि इंडिया में है, मगर ये नहीं पता था कि इंडिया में कहाँ पे है। बट रिएक्शन वीडियो से मुझे कुछ ना कुछ पता चल रहा है। पिछली वीडियो में मुझे कोहिनूर हीरे के बारे में पता चला कि वो चोरी हुआ था। और अगर किसी वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हो तो उसका नाम और लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और आज के रखने का अपनी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।